निशा रावल के इस क्लोज फ्रेंड को हो रहा है पछतावा कि आखिरकार क्यों दिया निशा का साथ, आखिरकार क्या कुछ रहा। आपको बता दें कश्मीरा शाह के बाद एक और खुलासा निशा के खिलाफ क्या कुछ है, चलिए आपको बताती हूँ उस वीडियो में। नमस्कार, मैं अमृतम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म वीडियो पर। वाला आपको बता दें कि कश्मीरा शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वो बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद से ही उंगलियाँ उठती हुई नजर आ रही हैं। अब इसके बाद में तो भैया रोहित सात्या भी जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने भी कई सारी बातें की हैं जो हमने आपको बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें निशा और रोहित दोनों के बीच की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो हाल ही में कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद उस चीज़ का खुलासा करेंगे। और जहाँ तक रही कन्यादान वाली बात, उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कोई एक रिचुअल किया था, बट वॉट वॉज एग्जैक्टली दैट उनको नहीं मालूम है। खैर, अब आपको बताते हैं यहाँ पर जिस तरीके से बातचीत चल रही है अब कश्मीरा शाह के बाद कोई और भी है जिन्हें निशा के साथ खड़े होने पर पछतावा हो रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि है रोहित वर्मा। जी हाँ, रोहित वर्मा वही है जिन्होंने कश्मीरा शाह को कॉल किया था, जिन्होंने ये कहा था कि कश्मीरा करण ने जो है निशा पर हाथ उठाया है, उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। वाला आपको बता दें यहाँ पर कि इस समय निशा के साथ में उनकी दोस्ती ज़रा भी नहीं है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो जिसके बारे में रोहित ने बात करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि हम दोनों का डिस्कशन हुआ और इस बात पे मैं अग्री नहीं करता हूँ, और इसके लिए आई थिंक मैं जो है वो बात नहीं करना चाहता उस चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पर जब उनसे पूछा गया रीज़न, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं अपनी दोस्ती ज़रूर निभाऊँगा इतनी यहाँ पर कि मैं उस बारे में बात ना करके। प्लस यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बर्थडे पर ही निशा ने कुछ ऐसा किया, उन्होंने राउंड फ्लावर्स जो है उनके लिए भेजे बर्थडे पर, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगा है, और ये भी एक कारण है निशा से उनका हर्ट हो जाना। अब ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा इस इंटरव्यू में कि आई कुड विश कि अगर मैं एक बार करण के साथ में स्टैंड हो सकूँ। तो यानी कि ये बात तो साफ है कि रोहित वर्मा को बहुत बुरा लग रहा है इस बात का कि वो निशा के साथ में खड़े रहे हैं। सो गाइस, आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म इंडिया को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे सारी खबरें ऑन टाइम।